सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हेनरी फेयोल की थ्योरी को मेनली डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करूँगी जो यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फेयोल की, तो हेनरी फेयोल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ही वॉज बेसिकली अ माइनिंग इंजीनियर। तो वे एक माइनिंग इंजीनियर थे जो एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करते थे, और इस दौरान उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस लिया अपने वर्क के दौरान उसके आधार पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की। उनकी एक फेमस बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जब वो डायरेक्टर थे कंपनी के, मतलब ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर जो एक नॉर्मल एम्प्लॉई से, नॉर्मल माइनिंग इंजीनियर से प्रमोटेड होते हैं जनरल मैनेजर पर, फिर डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके तो इनके बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी बुक में लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पर। और यहीं पर उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की या मैनेजमेंट की, उसे डेवलप की थी। तो थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट एंड वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने डेवलप किया और वाइडली इन्फ्लुएंस किया इनके विचारों ने 20th सेंचुरी का जो स्कूल ऑफ थॉट था, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन हेनरी फेयोल के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हेनरी फेयोल है उनके दो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। देन उन्होंने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसको दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं हेनरी फेयोल के, वो सारे हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिवर्सलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो पहले वो बात करते हैं कि जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट है हमें इस पर फोकस करना है, ना कि रूल ऑफ थंब पे। और दूसरी वो बात करते हैं कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उनको यूनिवर्सल बनाना है ताकि वो हम उसे कहीं पर भी एप्लीकेबल बना सकें। बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के जो फंक्शंस हैं उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है हेनरी फेयोल के द्वारा, जैसे कि टेक्निकल, commercial, financial, security, accounting and managerial. These are the 6 major important activities जो किसी management या किसी industry में होती हैं। ये चीज़ें, मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग ये 6 फंक्शंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इन्हीं फंक्शन के आधार पर जब हम हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें वो डिवीज़न ऑफ वर्क की बात करेंगे। जब डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है तो इससे क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस या इफ़िशेंसी आती है जो हमारी कंपनी का आउटपुट होता है। जैसे टेक्निकल, एक IT का बंदा रख दिया गया, एक कॉमर्शियल का बंदा रख दिया गया, एक फाइनेंस का बंदा रख दिया गया, एक बंदा होगा जो सिक्योरिटी संभाल रहा होगा। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हेनरी फेयोल के, कितने 6 फंक्शन हैं। ओके ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेनरी फेयोल में, तो उन्होंने 5 एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, इसको 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट भी कहते हैं, राइट। तो ये कई बार पूछा जाता है यूजीसी नेट में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई कौन जैसे 1, 2, 3, 4 लिस्ट कर देगा और कहेगा कि इसमें से कौन एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल के द्वारा। ओके तो ये ध्यान रखना है। तो ये 5 फंक्शन या 5 एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं POCCC। और कई बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि POCCC का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, राइट। एक जैसे हम बाद में अभी देखेंगे लूथोगुली के उसमें जब पढ़ेंगे कि पोस्ट कॉर्ब का व्यू दिया था उन्होंने, तो PO CCC और इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि ये PO CCC स्टैंड किसके लिए करता है, स्पेशली ये तीनों C पूछा जाता है क्योंकि C से तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, तो कोऑपरेशन एक वर्ड दे देता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऐड कर देगा कोऑपरेशन और आपसे पूछेगा इसमें से कौन एक 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो दिए गए फेयोल के द्वारा वो नहीं है। तो कोऑपरेशन नहीं दिया गया ना इनके द्वारा, इन्होंने क्या दिया है, कमांडिंग दिया है, कोऑर्डिनेशन दिया है, कंट्रोल दिया है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से इसे स्टडी करना है ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UGC NET JRF में बैठें तो भी ये आपके काम आए। अगर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इन्हें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग, तो जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि ना इतने टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट फिनिश कर लूँगा, ये टाइम रहेगा मेरा, मेरे को MCQ प्रैक्टिस करना है, फिर करंट अफेयर। तो किसी भी मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग। भाई अगर मान लीजिए फैक्ट्री या किसी कंपनी में आप कम काम कर रहे हो तो एक प्लानिंग होती है ना कि हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं और वो गोल्स की टाइमलाइन क्या है और इसमें कौन कौन से टीम इन्वॉल्व रहेगी, टीम लीडर कौन रहेगा, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये सब किसके पार्ट है, आपके प्लानिंग के। तो एक तरीके से आउटलाइनिंग ऑफ द पाथ यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी सिस्टमेटिक वे पे काम कर सकते हो। भाई कंपनी आप बनाई जाती है, ऑफिस बनाई जाती है, वहाँ पे मैन पावर जाकर बैठता है जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो फंक्शंस हैं, जो प्लानिंग है, हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट है कमांडिंग। कमांडिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, राइट। जैसे जो मैनेजर्स हुए, जो बॉस हो गए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर गाइडेंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप क्या काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब वेरियस जो यूनिट्स हैं, वेरियस एम्प्लॉयज़ हैं, वेरियस इंडिविजुअल फंक्शनरीज़ हैं कंपनी के, उनके बीच में हार्मनी होना ताकि हम गोल की तरफ टारगेटेड हों और हम टाइमलाइन, जो हमारी डेडलाइन है, उस पर हम गोल को अचीव कर सकें। देन कंट्रोल। अगर आपको परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स इंश्योर करना है तो हमें कुछ ऐसे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। जैसे एक सिंपल सा बात कि भाई लंच होगा तो वो 2 बजे ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का मन है तो वो 12 बजे लंच कर लेगा, किसी का मन है तो वो 1 बजे लंच कर लेगा, राइट। कंट्रोल का मतलब है देयर आर सम नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जो लिमिट करेंगे फंक्शन, जो एक्टिविटीज़ ऑफ द फंक्शनरीज़, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपके रिवार्ड्स भी आ जाएंगे, पनिशमेंट भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये 5 एलिमेंट या 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो हेनरी फ्योल ने यहाँ पर सजेस्ट किए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। देन नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है हेनरी फ्योल के जो एडमिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हेनरी फ्योल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये नंबर ही है कि हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए वो कितने हैं, तो 14 प्रिंसिपल्स हैं। अब आप देखोगे कि जो हेनरी फ्योल है उन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर नॉट रिजिड, दीज इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ एडॉप्शन टू वेरियस चैलेंजेस। कंपनीज जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की क्षमता या एबिलिटी है इन पे। ओके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई, मतलब ये रिजिड नहीं है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल के द्वारा अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में सजेस्ट किए गए, उसमें से पहला है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का सिंपल मीनिंग होता है स्पेशलाइजेशन, मतलब अपने काम में दक्ष होना। डिवीज़न ऑफ लेबर, अगर आप कभी मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग गए होंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक पर्सन होगा जो ऑर्डर ले रहा होगा, एक पर्सन होगा जो सर्व करेगा, एक पर्सन होगा जो पता चले पानी का बॉटल एंड ऑल लेकर आ रहा है, एक पर्सन है जो क्लीनिंग कर रहा है, कुछ लोग हैं जो कुकिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो कुकिंग पे एक्सपर्ट है वो कुकिंग कर रहा है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पहला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल के द्वारा सजेस्ट किया गया अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में, वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं कैसे, इट इज़ अ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ओबीडियंस। मतलब अथॉरिटी आपको किसी पोजीशन पे जब बैठा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है तो अपने सबॉर्डिनेट्स जो उसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इस मैनेजर के पास अथॉरिटी है, मैनेजर पोस्ट पर बैठा है तो इसको राइट है कि वो नीचे वालों को ऑर्डर दे सके, उनको गाइडेंस दे सके, राइट, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सके कि भाई ये काम ऐसे करना है और इतने बजे करना है। ओके तो अथॉरिटी मतलब अगर अथॉरिटी किसी के पास होती है तो उसे राइट मिल जाता है टू गिव द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अथॉरिटी देना किसी भी पोजीशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ताकि हम जो वेरियस टास्क है ना उसको कोऑर्डिनेट कर सकें, हार्मनी ला सकें और सही टाइम पर उसे हम एग्जीक्यूट कर सकें। ओके तो फर्दर हेनरी फेयोल कहते हैं कि जो मैनेजर होते हैं शुड नॉट बी गिवन अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज नेवर बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। देखो अगर अथॉरिटी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई तो वो तो अपने आप को तानाशाह समझने लगेगा ना कि भाई मैं तो कुछ भी, बस मेरा काम है ऑर्डर देना। भाई वो रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर प्लान फेल हो जाता है तो जिस बंदे ने ऑर्डर दिया था वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि इसकी फेल्योर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी के साथ साथ। और दूसरी बात, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो भाई आपके इंस्ट्रक्शंस को कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा ना कि भाई आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बट आपको पोजीशन नहीं दी गई मैनेजर की, तो जो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस को क्यों ओबे करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल के द्वारा, दैट इज़ डिसिप्लिन। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या मैनेजमेंट में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहेगा तभी आप जो आपकी प्लानिंग है आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10 AM का ऑफिस है कि सभी एम्प्लॉयज़ को 10 बजे आ जाना है ऑफिस में, दिस इज़ द टाइम कि 10 से 5 बजे की ऑफिस है। भाई अगर ये डिसिप्लिन नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फॉलो करेंगे तो कोई एम्प्लॉय कहेगा भाई मैं तो 10:30 बजे आऊँगा, कोई कहेगा मैं 11 बजे आऊँगा, किसी का मन है वो 4 बजे चला जा रहा है, तो ये डिसिप्लिन नहीं हुआ ना यहाँ पर। तो डिसिप्लिन बेसिकली मीनिंग है ओबीडियंस एंड कंप्लायंस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हर एक एम्प्लॉय को उनको फॉलो करना होता है, उन रूल्स को। ओके और इस तरीके से एक कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जैसे सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट हो गया, ये चीज़ें रहेंगी डिसिप्लिन के साथ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल के क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसे जब कमांड मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, तो वो एक सिंगल बॉस से मिले, एक सिंगल सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉई है, इसको ये ए पर्सन भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये बी पर्सन भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है और ये सी पर्सन भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये जो वर्कर होगा ये कंफ्यूज रहेगा कि भाई मैं किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूं। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड में मतलब है कि जो कमांड आता है, जो ऑर्डर आता है या जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो एक सोर्स से आए, राइट, सिंगल बॉस या सिंगल सुपीरियर होना चाहिए। इससे क्या होगा, डुअलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हम बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी नहीं आएगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी कि भाई हम ए को माने कि बी को माने कि सी को माने। तो यूनिटी ऑफ कमांड इम्पॉर्टेंट है किसके, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऑल एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दे शुड वर्क टूवर्ड्स अ सिंगल गोल, यूनिफाइड गोल। और सारी एक्टिविटीज़ जो होगी वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्लानिंग करने के लिए। मतलब एक सिंगल सोर्स, एक जो मैनेजर होगा वो प्लान करेगा, गोल सेट करेगा, ओके, और उसके बाद वो फर्दर कम्युनिकेट करेगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी डेडलाइंस क्या हैं, ओके। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी जो प्लान किए जाएंगे वो एग्रीड होने चाहिए, कंसेंसस बेसिस पे होने चाहिए, एंड एक फर्दर जो आपका मैनेजर है उसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को टॉप पे रखें। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी कई बार हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को अपना ईगो इग्नोर करना है, साइड करना है, अपनी आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन साइड करना है। यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कंपनी के इंटरेस्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं हमें उनको प्रायोरिटी देना है, उनको हमें सुपीरियर रखना है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करने पर क्या करेंगे, फोकस कर सकें। तो यहाँ पर पर्सनल इश्यूज़ को इग्नोर करके हमें कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान देना है, ये, ओके। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा जो दी गई, उसमें है रिम्यूनरेशन। सो रिम्यूनरेशन का बेसिकली मतलब है जो पेमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जो सैलरीज़ दी जाती हैं वो फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए। मतलब कि ये सेटिस्फेक्शन क्रिएट करे फॉर बोथ, जो वो इंडिविजुअल है उसके लिए और जो फर्म है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी, ओके। मतलब जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे पेमेंट मिलनी चाहिए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए भी, कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पे बैक, जो पेमेंट है, सैलरी है, वो मिलनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल अपने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग है वो कहाँ पर होनी चाहिए, टॉप हायरार्की में होना चाहिए। मतलब जो डिसीज़न लेने की जो पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो बेहतर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो हेनरी फ्योल है वो अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास हो, ओके, जो बॉसेस हैं उनके पास हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन। स्केलर चेन की बेसिक मीनिंग होती है एक हायरार्की, मतलब वर्टिकल हायरार्की फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो कमांड्स दिए जाएंगे वो हाईएस्ट लेवल से अपने नीचे वाले को दिए जाएंगे, फिर इसके द्वारा अपने नीचे वाले को दिया जाएगा, फिर इसके द्वारा अपने नीचे वाले को दिया जाएगा। सो हायरार्की ऑफ पोजीशंस दैट इज़ बेस्ड ऑन द कमांड सिस्टम। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं, दे आर लोकेटेड थ्रू द मिडिल, दे आर, दिस इज़ द टॉप मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द मिडिल मैनेजर्स, दीज आर द, एंड दीज आर द लोअर एम्प्लॉयज़। तो ये हायरार्की डिफाइन करता है आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भाई आप जब हायरार्की, जैसे आपने पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उसमें देखा होगा आपने लेवल 1 लेवल 2 के आधार पर होता है कि कौन कहाँ रहेगा। उसी आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, इस आधार पर स्केलर चेन मतलब हायरार्की डिफाइन होती है। तो दिस इज़ बेसिकली अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि जो लोअर लेवल का है वो मिडिल वाले को करेगा, मिडिल वाला टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा, तो ये स्केलर चेन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का। ओके तो यहाँ पर हमने इस स्केलर को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो हायरार्की है ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव से है। मैंने आपको ये फिगर ड्रॉ करके ऑलरेडी बता दिया कि ये दिस इज़ द टॉप मैनेजमेंट, ये यहाँ पर मान लीजिए मिडिल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया। ओके तो यहाँ पर जो 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 डिसीजंस हैं वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। और रिपोर्टिंग कैसे किया जा रहा है, लोअर लेवल वाला अपने ऊपर करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये चल रहा है यहाँ पर जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। हेनरी फ्योल एक एक्सेप्शन देते हैं यहाँ पर, दैट इज़ गैंग प्लांक। ये टर्म बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल जिस भी सिलेबस में है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक एक्सेप्शन भी हमें रखना चाहिए ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकें, रिजिड नहीं रखना है हमें इन प्रिंसिपल्स को। ओके तो गैंग प्लैंक बेसिकली क्या है, जंपिंग टेक्निक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ गई और अगर आप ये हायरार्की फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से। तो ये जंपिंग टेक्निक्स हो गई कि हमने अपने इमीडिएट सुपीरियर बॉस को जंप करके डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास चले गए टू सॉल्व अ स्पेशल प्रॉब्लम। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज आ गई, कोई घटना हो गई, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ये पूरी हायरार्की फॉलो करेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आपने फाइल ए को भेजी, फिर बी को भेजा, फिर सी को भेजेगा, तो 10 दिन लग जाएगा। प्रॉब्लम तो हमें अभी 24 आवर्स में ही सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर आप जंप कर सकते हो, जंपिंग दी पोजीशंस ऑफ द मैनेजर्स। तो इसे गैंग प्लैंक का कंसेप्ट दिया गया हेनरी फ्योल के द्वारा। तो होप यू गॉट दी आइडिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फिर से हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल का। नंबर 10 प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर आपका डिफाइन करता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस पे इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, राइट, दिस इज़ द ऑर्डर, राइट। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है। तो हर एक इंडिविजुअल की एक पोजीशन है, प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट इज़ फिक्स्ड। फिर परफॉर्मेंस के आधार पर आप प्रमोशन देते हो, बट लेकिन पोजीशन फिक्स्ड है। और इससे ये क्यों ऑर्डर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इससे क्या होगा कि सबको पता है कि भाई मेरी पोजीशन कहाँ पर है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे किसका ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है, और इस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ओके 11th प्रिंसिपल है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का इक्विटी। इक्विटी सिंपली आपका बिलोंग करता है किससे, किस चीज़ से, कि दिस इज़ अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। इक्वालिटी जब कहते हो तो आप कह रहे हो हम जस्टिस दे रहे हैं, इक्विटी कह रहे हो जब काइंडनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ओके तो किसी भी कंपनी में अगर हम कंसिस्टेंटली हमें अचीव करना है एम्प्लॉयज़ की लॉयलिटी अगर कंपनी के लिए, तो ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट हो वो इक्विटी मैनर पे हो, फ्रेंडली हो, काइंडनेस के साथ में हो। ओके देन यहाँ पर हमें प्रेफरेंसेस को अवॉइड करना है, भाई ऐसा नहीं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल है आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल। अगर टेन्योर की स्टेबिलिटी है तो जो एम्प्लॉई है ना वो उसको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, और जब जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो आप लॉयलिटी अचीव कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि हमें स्टाफ टर्नओवर को अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल, और इससे क्या होगा हम एम्प्लॉई की लॉयलिटी को अचीव कर सकते हैं, और इस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, एम्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 13 क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, कि इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू सी अ प्लान एंड इंश्योर इट्स सक्सेस। इनिशिएटिव लेना मतलब आगे आकर अब एक खुद आकर ये इस चीज़ को इनिशिएट करना कि भाई ये काम करना है, ये टास्क करना है। ओके तो एक एबिलिटी टू किसी, जैसे आप देखते हो ना कुछ पर्सन्स होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती तो वो आगे आकर इनिशिएटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में सफाई करना है, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान वहाँ पर भी के तहत वहाँ की सफाई करनी है और जो वहाँ पे गंदगी है उसको क्लीन करना है, तो एक दो एम्प्लॉइज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होंगे जो आगे आकर कहेंगे कि भाई इसके लिए ये जो 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 सफाई करना है इसके लिए ये प्लान है और इस तरीके से हम सक्सेस इसमें अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, एबिलिटी टू सी अ प्लान एंड इंश्योर इट सक्सेस। तो वो पर्सन आके भाई सबको बताएगा कि ये प्लान है और ऐसे करना है इसको, राइट। तो उसने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि भाई हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्वच्छ रखना है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि टीम स्पिरिट के थ्रू जो हेनरी फ्योल है वो कहते हैं कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो यूनिटी क्रिएट करे, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट क्रिएट करे अमंग दी एम्प्लॉइज़। इस तरीके से क्या होगा, एक हम इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी क्रिएट करेंगे। जब वर्क कल्चर अच्छा होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इस तरीके से लोग एक टीम की तरीके काम करेंगे और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ टीम मेंबर, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। और इस तरीके से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनमें यूनिटी आएगी, हार्मनी आएगी, राइट। तो ये एक हेल्दी वर्क कल्चर यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ये थे 14th प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो इतनी अच्छी थ्योरीज़ है, हमें पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ कितनी अच्छी बातें हैं और कितना मतलब एक मोटिवेशन फील आता है कि हाँ ऐसा। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है हेनरी फ्योल की इस थ्योरी को, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 पर है पीटर ड्रकर। ये क्रिटिसाइज करते हैं फ्योल के इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को, कहते हैं कि भाई हेनरी फ्योल ने तो मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को इम्पोज किया है। ये एक तरीके से ऐसे है जैसे कि मशीन काम कर रही है कि हर एक मशीन का हर एक पुर्जा अपनी सही जगह पर है, सही तरीके से अपना काम कर रहा है और अपने ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है, अपनी पोजीशन के हिसाब से काम कर रहा है। तो जो पीटर ड्रकर हैं वो कहते हैं कि ये तो मैकेनिस्टिक मॉडल हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें इमोशंस होते हैं, राइट। वो सोशलाइजेशन होता है, उनके अपने सोशल कमिटमेंट्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकते हैं भाई, मशीन और ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से जो पीटर ड्रकर है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं हेनरी फ्योल की इस थ्योरी को। नेक्स्ट एक साइमन एंड चेस्टर बर्नार्ड है, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है हेनरी फ्योल की इस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को। साइमन और चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि जो मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे नहीं कैटेगराइज कर सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, राइट। जो मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। क्योंकि जो 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 मैनेजर्स हैं भाई उनका भी तो, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनका एक्चुअल बिहेवियर्स है वो तो हम यहाँ कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, उसके सोशल कमिटमेंट्स क्या हैं, या उसका खुद का पर्सनल नेचर कैसा है, इस आधार पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो हम कुछ सर्टेन या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के आधार पर जो मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमें ह्यूमन बिहेवियर को भी इसका एक पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ क्रिटिसिजम्स जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दी थी। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो तो दैट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट आई एम यूजिंग, कि आप वहाँ से जाकर आप मुझे DM कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन टाइम। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। अभी भी आप मेरी चैनल एनालिटिक्स देखेंगे तो उसमें 85% जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है। सो गाइज, दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको मेरे इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो। एंड येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।